हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग के नए अंदाज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लामंड बॉलर के बारे में पढ़ेंगे। लामंड बॉलर क्या होता है, ये कैसे काम करता है तथा हम इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जानते हैं लामंड बॉलर के बारे में। लामंड बॉलर एक वाटर ट्यूब बॉलर होता है। अब आप बोलेंगे वाटर ट्यूब बॉलर क्या होता है, तो देखिए बॉलर को मैंने टू टाइप में क्लासीफाई किया गया है। एक वाटर ट्यूब बॉलर होता है और दूसरा होता है फायर ट्यूब बॉलर। अब इसके बीच के डिफरेंट को हम लोग इसके नाम से ही पकड़ सकते हैं। कैसे? वाटर ट्यूब बॉयलर यानी ट्यूब के अंदर अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो वो वाटर ट्यूब बॉयलर हुआ, और फायर ट्यूब बॉयलर यानी ट्यूब के अंदर अगर फायर फ्लो कर रहा है तो वो फायर ट्यूब बॉयलर हुआ। इसमें ट्यूब के अंदर आपको देखेंगे वो ट्यूब के अंदर वाटर फ्लो करेगा। देखिए पंप के थ्रू वाटर फ्लो करेगा, तो ये एक वाटर ट्यूब बॉयलर है। देखिए आगे इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है लिखा हुआ है। लामंड बॉयलर इज ए हाई प्रेशर फोर सर्कुलेशन वाटर ट्यूब बॉयलर। ठीक है, हाई प्रेशर फोर सर्कुलेशन, क्योंकि इसमें स्टीम जनरेशन कैपेसिटी जो होता है वो काफ़ी फास्ट होता है। इसके लिए इसमें जो वाटर का जो सर्कुलेशन होता है वो पंप के थ्रू होता है, यानी पंप के थ्रू फास्ट उसमें वाटर को भेजा जाएगा और वो वाटर क्या होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा। इसमें बहुत छोटे छोटे ट्यूब्स के थ्रू वाटर जो है फ्लो करता है। तो देखिए छोटे छोटे ट्यूब्स के थ्रू फ्लो करेगा तो उसका जो सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा सरफेस एरिया, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हीट उसकी वाटर के ट्यूब्स को लगेंगे। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा हीट जो है उसके ट्यूब्स को लगेंगे, जिसके थ्रू जो स्टीम जनरेशन होगा वो फास्ट होगा। द पंप इज एम्प्लॉय इन ऑर्डर टू हैव एडिक्वेट एंड पॉजिटिव सर्कुलेशन ऑफ स्टीम इन हॉट वाटर बॉयलर। देखिए इसके डायग्राम को समझते हैं कि कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है। सिंपल, सबसे पहले तो ये वर्टिकल कंडीशन में होता है, जो इसका शेप होता है सिंपल वर्टिकल बॉयलर देखा होगा उसी के जैसा ही होता है, लेकिन ये उससे काफ़ी ज़्यादा स्टीम कैपेसिटी जनरेटिंग कैपेसिटी में ज़्यादा होता है। और ये लामंड बॉयलर जो है एक वाटर ट्यूब बॉयलर होता है। बाकी जो आपको सिंपल वर्टिकल बॉयलर और काकरन बॉयलर ये सब क्या होगा, एक फायर ट्यूब बॉयलर था। तो देखिए इसमें होता क्या है, ये एक फर्नेस होता है। ठीक है, इसमें हॉट फ्लू गैसेस से मूव करती है, नेचुरल सर्कुलेशन इसका होता है, ऊपर की तरफ फ्लो करती है। यहाँ पे पंप लगा होता है। पंप क्या करता है, वाटर को क्या करता है, पंप करता है और इसमें अंदर भेजता है। यहाँ पे रेडिएंट इवोपरेटर लगा होता है। ठीक है, यहाँ पे हीट के कॉन्टेक्ट में आकर तुरंत स्टीम में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे एक ड्रम होता है स्टीम सेपरेटिंग, जिसमें स्टीम और वाटर को सेपरेट किया जाता है, इसमें आएगा। और यहाँ जो स्टीम होगा सैचुरेटेड स्टीम, ये ऊपर होके वापस हीट के कॉन्टेक्ट में आएगा। तो ये जो सैचुरेटेड स्टीम है वापस हीट के कॉन्टेक्ट में आता है, तो ये बन जाता है सुपर हीटेड स्टीम। और सुपर हीटेड स्टीम को हम लोग क्या करते हैं, जहाँ भी हमको यूज होता है, स्टीम का यूज होता है, वहाँ पर हम लोग भेज देते हैं। यहाँ पे एक एयर प्री हीटर लगा होता है, यानी इसको फर्नेस में जो फ्यूल को बर्न करने के लिए एयर की ज़रूरत होती है, उस एयर को हम लोग क्या करते हैं, इससे जो फ्लू गैसेस बाहर निकल रही हैं उसमें काफ़ी टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर क्योंकि वो बाहर निकल जाती है, यानी ये वेस्ट है, तो उससे क्या करते हैं हम लोग, एयर प्री हीटर से उसकी हीट को थोड़ा ले लेते हैं और उससे फर्नेस को चलाते हैं, जिससे उसकी इफ़िशियंसी बढ़ती है। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले एडवांटेज यानी क्या लाभ है, इट कैन बी इजीली स्टार्टेड, इसको बहुत आसान तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। स्टीम जनरेटिंग कैपेसिटी टू हाई स्टीम जनरेटिंग, करीब 50 टन पर हावर, सोचिए एक टन में 50 टन जो है, एक हावर में 50 टन जो है स्टीम जनरेट करता है। इट हैज़ ए हाई ट्रांसफर रेट, इसमें जो ट्रांसफर रेट होता है वो काफ़ी हाई होता है। द बॉयलर कैन बी रीअसेंबल्ड विद द नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर, इसको रीअसेंबल किया जा सकता है विद द नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर। डिजाइन इसका बहुत सिंपल होता है, जैसे कि आपको दिखाया है। इसमें डिसएडवांटेज क्या होता है, देयर इज ए बबल फॉर्मेशन एट सरफेस ऑफ द ट्यूब इन दिस बॉयलर दैट रिड्यूस द हीट ट्रांसफर रेट टू द, देखिए बबल फॉर्मेशन क्या होगा तो क्या होगा, हीट ट्रांसफर रेट को कम कर देता है, ये इसका एक डिसएडवांटेज होता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि लामंड बॉयलर को आप इसके बारे में समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसी वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो इसी के साथ दोस्तों जय हिंद जय भारत।